यहाँ पे लग चुकी है हमारी लास्ट पतंग, झालर वाली बोलते इसको। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम शाम को व्लॉग चालू कर रहे हैं, लगभग 4 बज चुके हैं और अभी अभी हम मैं कॉलेज से आया हूँ और अभी कॉलेज से आते अखबार पढ़ने बैठे हैं, खाना वगैरह खा के, और यहाँ पे हम राजस्थान पत्रिका अखबार पढ़ रहे हैं और अभी हम आगे ब्लॉग में बढ़े रहना। हम अभी पहले खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा लेते हैं उसके बाद हम बहुत सारी पतंगों को बाहर लगाएंगे, डिजाइन से सजाएंगे उनको। पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस यहाँ पे हमारे रोटी सब्जी आ चुकी है, पहले खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे मैंने पूरा कार्टून निकाल लिया है और अब इनमें से पतंगें लगाएंगे और इसमें जो अच्छी पतंग है ना वो आप मुझे बता देना भाई, ये लगाओ तो हम वही पतंग लगा देंगे, आपको कौन सी अच्छी लगेगी वो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। गाइस मैंने सभी पतंगें निकाल ली है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे निकाल रखी है और एक बार मैं सही से दिखाता हूँ आपको। गाइस यहाँ पे देखो मैंने इस ये पतंगें निकाली है, अब कौन सी बाहर लगानी है आप देख लो। मेरे को ना एक तरीके से ये भी अच्छी लग रही है, देखो ये देखो कितनी सुंदर पतंग है, ये भी अच्छी लग रही है। तो इस ऐसे करते हैं इसको लगा देते हैं और ये भी है काफ़ी अलग अलग है, मैंने तो बहुत कम निकाली है। देखो इधर दिखाता हूँ, इधर सही दिखेगी, ये देखो ये पतंग है इस तरह की। मैंने यहाँ पे एक पतंग ये और एक ये दो निकाल लिए बाहर टाकेंगे और मैं चरके और ये सद्दा वगैरह भी आपको दिखाऊंगा। एक तो देखो चिड़िया वाली पतंग है, ये हरी हरी चमक रही होगी, आपको दिख रही होगी शायद, ये देखो हरी हरी चमकती है। और एक ये ड्रैगन वाली पतंग मैंने दिखाई दी है, और इस तरह की ये पतंग झालर वाली पतंग है, झालर वाली बोलते हैं इसको। और ये देखो हमारा चरका है काले मंजे का, ये देखो खोलते ये दिखाता हूँ, ये 6 रील का मतलब 6 गिट्टे का चरका है हमारा, 6 गिट्टे का बोलते हैं इसको। और गाइज ये सब कितने का है सामान, कितना का नहीं आया, कितने की पतंग आई, ये सब देखना चाहता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का, वो चैनल पे जाके विजिट करो और वीडियो देख लेना एक दो ऊपर। इसको खोलते हैं पहले सबसे छोटे वाले पैकेट को। अब ये पैकेट कितने का ये देखने के लिए आपको चैनल पे विजिट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, वीडियो देखने के बाद उस चैनल पे जरूर जाना। इसमें देखो 8 पीस है, 8 पीस नहीं मतलब सॉरी 12 पीस आए हैं इसके अंदर और एक दो पीस शायद कम है इसके अंदर, हमने एक निकाल लिए कुछ काम ले लिया हमने, ये रे देखो। तो गाइज अब इसको साइड में रखते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट डब्बे पे। और गाइज ये ओरिजिनल कृष्णा नहीं है, ये उसकी कॉपी है इस, और ये देखो ये वाले इसके अंदर भी कितने पीस आए थे, शायद इसके अंदर 10 ही पीस थे। और ये इससे अच्छा है थोड़ा, इससे काफ़ी अच्छा ही है ये वाला, इससे देखा जाए तो इससे भी बेस्ट बेस्ट और बढ़िया बढ़िया आते हैं, आपको दिख रहा होगा शायद, थोड़ा इससे बड़ा और मिल जाता है यहाँ पे हमारे को, ये देखो ये थोड़ा बड़े साइज में, ये देखो इस तरीके का है, इसमें 10 पीस है पूरे डब्बे के अंदर। देखो ये टेप है, ये छोटे छोटे टेप है इसके अंदर, और चरका मैंने दिखाई दिया, अब बाहर चलते हैं और पतंगे इनको बाहर लगा के आते हैं। तो गाइस हमने बहुत सारी पतंगे यहाँ पे ले ली है और अब इनको बाहर चलते हैं लगाने के लिए, और यहाँ पे हमने टेप भी ले ली है साथ में, ये रही टेप, तो फटाफट से बाहर आ जाऊंगे। तो गाइस एक पतंग पहले यहाँ पे टेप से यहाँ पे लगा देते हैं जो अच्छे से रहेगी, यहाँ पे एक पतंग गाइस हम यहाँ पे लगा रहे हैं, एक पतंग गाइस हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ये देखो यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं तो रहेगी, तो यहाँ पे लग चुकी है हमारी लास्ट पतंग। गाइस ये देखो हमारी पतंगे बहुत सुंदर लग रही है यहाँ पे, ये देख लो ये डोरेमोन की पतंग, ये नीली वगैरह सारी पतंग लगा दी हमने यहाँ पे। वीडियो बनाते बनाते शाम हो चुकी है, हम 4 बजे का टाइम दिखाया था और अब आप देख सकते हो 6 बज चुके हैं यहाँ पे, 6 बजने में 10 मिनट ही बाकी है। वो हमारे छोटे बच्चे बाहर दिख रही होगी, मैंने व्लॉग में काफ़ी टाइम हो गया दिखाई नहीं, मैं एक बार सही से दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसकी माँ चल रही है और ये छोटी बच्ची, ये देखो ये छोटी इसके अंदर जाके बैठ जाएगी, ये आपको फ्रिज खोल के दिखा देता हूँ फ्रिज में क्या है, ये देखो इधर जूली वगैरह दूध और नीचे कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी हुई है, इधर देखो ये हलवा रखा हुआ है आपको दिख रहा होगा शायद, और ये देखो नीचे दूध वगैरह सब कुछ रखे। काफ़ी रात हो चुकी है और 9 बज चुके हैं और हम थोड़ी देर बाद ब्लॉग को एंड कर देंगे, तब तक एक बार घर आपको दिखाता हूँ व्यू थोड़ा बहुत, हम बाहर जा रहे हैं अभी तो इस कमरे में चलते हैं, गेट थोड़ा अटक जाता है, ये देखो ये कमरे में हम आ चुके हैं अभी, कमरे में हमारा खाना वगैरह हमने बना लिया है, यहाँ पर बकरी बैठी है अभी, काफ़ी दिन हो गए ऐसे हमने, और यहाँ पे हमारी 2 बकरी पत्ते गोभी के पत्ते वगैरह कुछ होते हैं ना वो चल रही है। गाइस अभी हम बाहर हैं और बाहर काफ़ी ठंड हो रही है इसलिए फटाफट से अंदर चलते हैं, हमने बकरी को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला कि आपसे एक बात और कर लेता हूँ, अगर आपको हमारी दुकान से रिलेटेड वगैरह कोई भी डाउट क्या मतलब कोई भी जैसे किस तरह से हम ग्राहक को हैंडल करते हैं, किस तरह से हम सामान देते हैं, क्या सामान रखते हैं क्या नहीं, कि क्या क्या सामान है हमारे, किस तरह सामान देते हैं, ऐसा कोई वीडियो देखना चाहते हो ना आप तो कमेंट में बता देना क्या बनाना चाहिए अगला वीडियो, तो बस यही है आप बस एक कमेंट कर देना। तो गाइस हमारा खाना बन के तैयार हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो चावल, और यहाँ पे अगले भगोने में ये देखो कड्डी अभी बना के रखे हैं और यहाँ पे हमने अभी खा लिया है। सबसे छोटी बकरी सब सारी बकरियों में सबसे छोटी वाली ये है,
ये देखो ये सबसे छोटी वाली ये है, ये अभी चरना भी नहीं जानती, कुछ खाना भी नहीं जानती बकरी। गाइस हमारे चैनल पे रोज ब्लॉग नहीं आ पाते तो हम कोशिश करते हैं कि डेली ब्लॉग डाल दें, इसलिए कभी कभार भी आते हैं, वो आप देख लिया करो, आपसे बस ये रिक्वेस्ट है। गाइस आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।